अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? जिशान, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? वालेकुम अस्सलाम रहमान। रहमान, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक बिल्कुल। आप कैसे हैं? पहले मुझे कंफर्म कर दें, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? हाँ जी, बाकी भी जल्दी जल्दी से आ जाएं। Good. अच्छी ऐसा ना, आप तो बड़ा कम ही आते हैं आजकल, किधर गायब हैं? चलो बाकी लोग आते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सही। अहमद, आपकी असाइनमेंट किधर है? आप तो फ्राइडे भी था, फ्राइडे को भी गेस्ट लेक्चर था, सैटरडे था, संडे था, पर अभी भी 3-4 लोगों की असाइनमेंट आई हुई है मुझे बस। और बाकी लोग किधर गए हैं? जल्दी जल्दी से आ जाए ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट करें। 5 मिनट तो हो गए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर बाद में जब आएंगे ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, किस दिन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, किस दिन आते ही नहीं है, अल्लाह ही जाने क्या मसला है। इनका भी हिसाब वही बना है कि खुद ही देख के कर लेंगे, लेकिन जब खुद भी करने लगते हैं तो आते लोगों से होता नहीं है। इंटेलिजेंट तो हर बंदा ही होता है, साथ साथ हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए। ये मैं अकेला तो नहीं रख सकता ना आप। हेड ऑफिस की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। लैब मैनेजर बेसिकली फर्स्ट टाइम टेक की क्लास होती है, फिर नॉन टेक की होती है, फिर क्रिएटिव की होती है, तो उन्होंने अटेंडेंस वगैरह को देखना होता है, सारी चीज़ों को, तो इसलिए टाइम ऐसे ही हो सकता है। मज़ीद आप यहाँ अगर किसी को और को भी इशू है तो यहाँ मैसेज कर दें, जैसे आपने कहा है कि 10 से 11 की होनी चाहिए। अगर किसी और को भी कोई इशू है तो आप बता दें, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मुश्किल ही होता है कि जो टाइम ऑलरेडी, क्योंकि सारी बैचेस चल रहे होते हैं तो वो सेम टाइमिंग पे ही चल रहे होते हैं। अगर जिस तरह आपके किस दिन बहुत सारे लोग आ जाते हैं और किस दिन नहीं आते, तो मे भी इसके ऊपर थोड़ा सा जो है बात हो सकती है, अगर आप में से काफ़ी सारे लोग किसी एक टाइम के ऊपर रजामंद हों कि वो आ भी जाएं। ऐसा नहीं कि टाइम चेंज हो जाए फिर भी सिचुएशन यही रहे, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। रहमान, मैं वही कह रहा हूँ कि टाइम चेंज तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। ठीक है, हेड ऑफिस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर टाइम सब चेंज जस्ट 1-2 लोगों का है तो फिर तो नहीं हो सकता। अगर सब लोगों का इशू है कि हम इस टाइम पे नहीं आ सकते, ठीक है, तो फिर इसमें मे भी हेड ऑफिस रिक्वेस्ट की जा सकती है कि मे भी चेंज हो जाए। लेकिन मसला ये है ना कि टाइम चेंज हो भी जाए और फिर भी आपकी स्ट्रेंथ ना आए तो फिर तो कोई फायदा नहीं है टाइम चेंज होने का, तो इसलिए मैं कह रहा था। हाँ जी मारिया, आपके असाइनमेंट्स किधर हैं? अभी हमारा कोर्स चलना है 15 जुलाई तक, यानी कि अब जून है ना, 22 जून है आज, 15 जुलाई तक है। 15 जुलाई को मे भी हमारा लास्ट लेक्चर होगा। जुलाई बन रही है वेडनेसडे की 15 या 16 को, अकॉर्डिंग टू द जो कोर्स करिकुलम है और जो टाइम ड्यूरेशन था उसके हिसाब से मे भी आगे एक्सटेंड हो जाए 1 वीक, लेकिन जो ड्यू डेट है वो यही है। चले ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं। कुछ तो हमने बैकग्राउंड रिमूवल के लिए कुछ चीज़ें देखनी है, ठीक है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और इसके अलावा क्रॉप टूल को देखना है, ठीक है, और इसके अलावा हमने देखना है बैकग्राउंड इरेजर को, ठीक है। 1-2 चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को देखेंगे आज हम, ठीक है। कल फिर हम मूव कर जाएंगे फोटो रिटचिंग की तरफ, ठीक है, और फोटो रिटचिंग के बाद फिर हम फोटो मैनिपुलेशन की तरफ जाएंगे, तो फिर ये हमारा सारे का सारा टॉपिक कवर हो जाए। क्योंकि अभी तो हमने बैकग्राउंड रिमूवल देखा है, ठीक है, लेकिन इसको अभी हम जो एडजस्ट कर रहे हैं वो सही से अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। इनके जब हम 2-3 इमेजेस को मैनिपुलेट करते हैं तो वो सही से नहीं हो रही होती, ठीक है। तो इसलिए अभी हम बैकग्राउंड रिमूवल को देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम किसको देखेंगे, फोटो डिटेचिंग को, कि फोटो के अंदर से अगर कोई फॉर एग्जांपल स्क्रैचेस हैं या पिंपल्स हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, कंट्रास्ट वगैरह, इन सब चीज़ों को फोटो डिटेचिंग को देखेंगे। और उसके बाद हम फोटो मैनिपुलेशन को देखेंगे, जिसमें हम फोटो डिटेचिंग और बैकग्राउंड रिमूवल इन दोनों को यूज़ करके मैनिपुलेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। देन फिर हम किसी और की तरफ जाएंगे, और आज मैं कोशिश करूंगा कि हम गिफ क्रिएशन को भी देख लें, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई भी, पहले हम बैकग्राउंड रिमूवल की तरफ जाते हैं, कोई इमेज मैं ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ इमेजेस होती हैं कि जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड जो होता है वो सिंगल कलर ही होता है एक तरह से, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सिंगल कलर का शेड आ रहा होता है, ठीक है। हम मैजिक बैंड से उसको ले तो लेते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होता है, स्मूथ नहीं कर रहा होता। तो इसी चीज़ को हम एक और तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्लेंडिंग से। तो उस चीज़ को हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये जैसे हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये ब्लू है और डार्क ब्लू सा है, लाइट ब्लू सा हो रहा है, फिर मजीद लाइट ब्लू सा हो रहा है, तो ब्लू के शेड्स ही हैं हमारे पास डिफरेंट, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो अगर पेन टूल से कट करें तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा काम करना पड़ेगा हमें इसके ऊपर, ठीक है। अगर हम सिलेक्शन टूल से भी करते हैं तो उससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हम एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जिसको ब्लेंडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अनलॉक करता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ कंट्रोल जे करके, ठीक है। देन मैं चला जाता हूँ, ठीक है, इसको डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो ये हमारे पास किसी भी लेयर के ऊपर जो शेडोज वगैरह, स्ट्रोक, टेक्सचर, इन सब चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी चीज़ हमने यूज़ की होती है उसके हिसाब से हम यहाँ देख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ बाकी चीज़ों को भी हमने नहीं देखना क्योंकि हमने सारी चीज़ें पढ़नी है साथ साथ, तो हम वहाँ देखते जाएंगे। जो अभी हमने देखना है उसके अंदर हमने ब्लेंड इफ को देखना है, ठीक है। अब ब्लेंड इफ में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक लेयर सेलेक्ट की हुई है, उसके अंदर डिफरेंट कलर हैं, ग्रे है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। तो फॉर एग्जांपल जो कलर हमारी इमेज के अंदर होता है उसमें से अगर हमने किसी कलर को ब्लेंड करना है, ठीक है, तो हम वो इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास जो है वो ब्लू कलर है। अब ब्लू कलर की जो वैल्यूज हैं वो ये हैं, ठीक है। अगर इधर से हम जाते हैं तो 255 की तरफ जाते हो, इधर आते हैं तो ये 0 की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लेंड करना चाहता हूं तो मैं अगर यहाँ से इसकी वैल्यूज को थोड़ा थोड़ा कम करता हूं तो ये आप देखें कि इसमें जो ये इमेज है हमारे पास, ठीक है, उसका जो कलर है उसको वो चेंज करता जा रहा है। अगर मैं इसको कैंसिल करके पहले एक को हाइड कर लूं क्योंकि हम इसको कर रहे हैं लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मैंने कैंसिल एक को हाइड कर दिया, और देन मैं यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से मैंने ब्लू कलर को सिलेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास यहाँ ब्लू है। अगर यहाँ ग्रीन होता है या कोई और होता है तो फिर यहाँ से हम उसी कलर को ब्लेंड करते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास ठीक है जो इसकी वैल्यूज हैं कलर की उनको काम करता जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम ये देखें, ये इसने ब्लू की जो वैल्यूज हैं उनको कम करता जा रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसको मजीद कम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मजीद 0 की तरफ लेके जाता हूँ तो ये मजीद, उसने कलर तो रिमूव कर दिया लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ भी जहाँ उसको ब्लू का शेड कहीं मिला है उसने यहाँ से भी रिमूव कर दिया, और यहाँ हमारे पास ये वाइट वाइट सी जो है हमें बैकग्राउंड नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम बजाय इसके बहुत ही ज्यादा वैल्यूज को कम कर दें, अब यहाँ से देखें ना कि क्योंकि बेसिकली हमारे पास तो जो ये वाली चीजें थी, ये वाली, ये हमसे सही से कट नहीं हो पा रही होती है। पेन टूल के साथ हम उसको सही से जूम करके देन कर रहे होते हैं, देन हमसे सिलेक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ब्लू कलर को जो है वो ब्लेंड कर दिया। और अब अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल ओके कर देता हूँ इतना ही, और मैं सिंपली लेसो टूल जाके लेता हूँ और लेसो टूल से यहाँ से मैं इसको सिलेक्शन, रफली सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो था पहले, तो अगर मैं रफली सिलेक्शन नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास ब्लू का शेड आ रहा था। अभी तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने जो है ब्लू को ब्लेंड कर दिया कलर को। ठीक है, अब मेरे पास जो है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। ठीक है, देन मैंने इसको लेसो टूल के साथ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास सिलेक्ट हो गया और इसको मैं कंट्रोल जे करके कॉपी ले लेता हूँ और देन मैं इसको हाइड करता हूँ। तो मेरे पास इजीली जो चीज़ है वो मेरे पास आ गई है और बड़े स्मूथ एजेस के साथ। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अगर हम इसको पेन टूल से करने जाते तो इसमें हमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बिल्कुल ही पूरे को अगर रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपके इनके अंदर से भी जो ब्लू का उसे शेड मिलेगा वो उसको भी क्या करता जाएगा, माइनस करता जाएगा, ब्लेंड करता जाएगा। तो देन हमारे पास जो हमारे बेसिकली जो चीज़ हमें एग्जैक्टली चाहिए वो उसको भी रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जहाँ तक आप उसकी वैल्यूज लेके जा सकते हैं, काम कर सकते हैं 255 से, तो आप वहाँ तक लेके जाएं जहाँ तक आपको ईजिली चीज़ मिल जाए और आप ईजिली लेसो टूल से या किसी भी सिलेक्शन टूल से उसको ईजिली सिलेक्ट कर सकें। ये चीज क्लियर हुई है आपको? अभी हम इसको मजीद, क्योंकि ये तो हमारे पास कुछ फिर भी सिंपल सी इमेज थी, अब हम इसको मजीद, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट ट्रीज होते हैं, इस तरह की कोई चीज होती है तो उसका जब हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर हम पेन टूल या किसी और तरह से या डिफरेंट हम ठीक है सिलेक्ट एंड मास्क में जाके करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको या कोई रिपीट करना है इसमें से? ये चीज क्लियर है? इसमें से कोई चीज अगर किसी को समझ नहीं आई? अब इसी तरह अगर हम एक और इमेज को ले लेते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह मैं यहाँ से एक और फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये ट्री है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये एक और इमेज है। अच्छा, आप ये देखें कि अब इसके अंदर बेसिकली हमारे पास, हम देखें अगर हम इस ट्री को बेसिकली अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो जो कि हमारे पास ब्लू टाइप सा है। ठीक है, और उसके साथ वाइट का कुछ शेड आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको रिमूव करना हो तो अगर हम इसको पेन टूल से करें या किसी और टूल से करें तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लॉक करते हैं और अनलॉक करते हैं और उसी तरह से इसको भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैंने डबल क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास जो इसका कलर है वो बेसिकली ब्लू टाइप ही है। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं अब देखता हूँ, अगर मैं इसको, इसकी वैल्यूज कम करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो, बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। ठीक है, अगर मजीद मैं करता हूँ तो ये देखें कि हमारे पास एक बड़ा स्मूथ सा, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये बड़ा स्मूथ सा हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव होके आ गया है। ठीक है, अब हमने किया क्या है, जस्ट सिंपल जो बेसिकली जिस कलर को हमने रिमूव करना था उसको हमने रिमूव करने की कोशिश किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं मजीद इसे कर रहा हूँ तो यहाँ से देखें कि ये यहाँ से भी इसकी वैल्यूज को कर रहा है, लेकिन इसके अंदर से भी कुछ हमें वाइट शेड से नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप उसको इतना कम कर दें। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये चीज है, तो आप इसको डिफरेंट और मजीद टूल्स हैं उनसे भी आप इसको रेज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें इसे, तो अगर इसी चीज को हम पेन टूल या किसी और टूल से करने के लिए जाते तो उसमें हमें बहुत टाइम लगता, तो ये मैं इजिली से इस तरह कुछ चीजों को करके दे देता। और बहुत सारे बैकग्राउंड इस तरह के होते हैं कि जो हम इजिली इनसे जो है इजिली यानी कि ब्लेंड इफ के ऑप्शन से आके इजिली हम उसको रिमूव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको ओके करता हूँ तो ये मेरे पास अब देखें ये रिमूव होके आ गया है, ठीक है। अगर हम मज़ीद करते हैं तो ये देखें बड़ा अच्छा सा मजे के साथ हमने इजिली से कर लिया। अगर हम इसको खुद से करने जाते तो ये बड़ा मुश्किल था, अगर पेन टूल से या किसी और सिलेक्शन टूल से करते, ठीक है। अब इसी तरह जैसे हमने यहाँ देखा कि ये हमारे पास कुछ चीजें रह गई हैं, तो इसी तरह हमारे पास एक और टूल होता है, ठीक है, इरेजर के अंदर जाके आपके पास बैकग्राउंड इरेजर टूल होता है, ठीक है। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि एक तो है कि सैम्पलिंग कॉन्टिन्यूस, यानी कि आप कॉन्टिन्यूस वो सैंपल उस कलर का ले रहा होता है जो कलर आपने रिमूव करना होता है, यानी कि बैकग्राउंड में से जो भी जहां भी आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस सैंपल को ले रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो सैम्पलिंग वंस यानी कि वन टाइम सैम्पलिंग ले रहा होता है, और एक होता है कि सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वैच, ठीक है। बैकग्राउंड स्वैच के हिसाब से वो ले रहा होता है कि अगर कोई और कलर होता है तो वो उसको रिमूव कर रहा होता है, ठीक है। जो मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं वो सैम्पलिंग वंस यूज कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आके क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब मैंने ईजली, ठीक है, इसको कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस था तो इसने इस चीज को भी ले लिया। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल डिसकंटिन्यूस कर लेता हूँ और देन मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, तो अब मेरे पास ग्रीन कलर था उसने उसको नहीं किया, ठीक है। जहां बेसिकली मैं सैंपल ले रहा था वहां से उसने उसको कर दिया, ठीक है। अब भी देखें तो ग्रीन कलर थोड़ा सा जा रहा है, तो इसके वैसे ही आप साइजेस जो है इंक्रीज डिक्रीज जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज होती है उसके साथ आप इसको इजिली कर सकते हैं, ठीक है। और इसके टॉलरेंस को अगर आप जैसे हम देखेंगे 37 था, अगर फॉर एग्जांपल इसका टॉलरेंस लेवल जो है वो मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, बहुत कम कर देता हूँ, और देन मैं आके यहाँ से अगर करता हूँ तो अब अगर मैं इसके ऊपर भी हूँ तो ये देखें कि ये इसमें बड़े स्मूथली मेरे पास इस चीज को रिमूव कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको यहाँ अगर ड्रैग करता हूँ तो देन भी ये मुझे करके दे देता है, यानी कि सैंपल लेके हम इसको ड्रैग करते हैं तो देन भी ये मुझे रिमूव करके दे देगा। तो इस तरह से बेसिकली आप अपनी चीजों को ईजिली यानी कि सिंपल बेस के, अगर कम्प्लेक्स वे में जाते हैं तो वहां भी आपके पास कुछ चीजें होती हैं जो इस तरह के बैकग्राउंड नहीं होते, वो आपको कम्प्लेक्स तरीके से ही करने पड़ते हैं। एक कुछ चीजें होती कम्प्लेक्स हैं लेकिन उनके बैकग्राउंड बड़े ईजी से होते हैं तो हम उनको ईजिली इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा ये सारे वाला रिपीट कर दूं? जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास बेसिकली एक इमेज थी, इसको मैंने अनलॉक किया, ठीक है, देन मैंने इसको डबल क्लिक किया। अब मेरे पास आसमान जो है वो वाइट ब्लू कॉम्बिनेशन टाइप की है, तो मैं यहाँ से ब्लू कलर को ब्लेंडिंग यानी कि ब्लू कलर को ब्लेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यूज को यहाँ से कम करता जाता हूँ तो यहाँ से देखें कि आपके पास ये जो ब्लू कलर है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या होता जा रहा है, ब्लेंड होता जा रहा है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपके पास आता जा रहा है। अगर मजीद आप इसको करते हैं तो ये मजीद होता जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक करके देखें तो ये इसने काफी हद तक इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है, कुछ यहाँ एजेस रह गए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको यहीं से करना चाहते हैं तो कर तो सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें, अगर हम इसको मजीद कर रहे हैं तो ये हमारे पास होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ से तो ये इजिली रिमूव हो गया, लेकिन हमारे पास हमारे ग्रास के अंदर भी ये वाइट एरिया आते जा रहे हैं, जहां जहां उसको शेड बेसिकली बैकएंड यानी कि ब्लू कलर का मिल रहा है वहां से वो उसको भी रिमूव करता जा रहा है। तो जैसे हमने पिछली इमेज में देखा था कि हम जहां तक इजिली बेसिकली सिंपल सिलेक्शन टूल से या किसी और जो बैकग्राउंड रिमूवल टूल्स हैं उनके साथ अगर हम किस चीज को रिमूव कर सकते हैं तो हम इजिली उनसे कर लें, बजाय इसके कि हम अपनी पूरी इमेज को डिस्टर्ब कर दें, ठीक है। अब जैसे हमने इस चीज को लिया, ठीक है, अब इसमें से हमने लिया था इरेजर, ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। देन हमारे पास यहाँ था बैकग्राउंड इरेजर टूल, ठीक है। बैकग्राउंड इरेजर टूल में मैंने कहा था कि एक है सैम्पलिंग, कि वो जहां आप क्लिक करते हैं वही सैम्पलिंग लेता रहता है और इस तरह आप हर चीज को ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ है कि वन सैंपल के एक बार आप सैंपलिंग ले रहे होते हैं देन आप उसको रिमूव करते जा रहे होते हैं। और डिसकंटिन्यूस में क्या करता है कि वो डिसकंटिन्यूस में कॉन्टिन्यूसली यानी कि जो बाकी कलर्स पे आ रहे होते हैं उनको, यानी कि थोड़ा सा भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रहा होता। जो कलर बेसिकली आपने सैंपल दिया होता है उसी को पिक कर रहा होता है। और टॉलरेंस लेवल जितना आप कम करेंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा उस कलर के साथ। अगर जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे वो उसको और मजीद बाकी कलर्स के अंदर से भी देखेगा। अब जिस तरह यहाँ हमने सैंपल दिया, ठीक है, और यहाँ से हम इसको रिमूव करें तो ये बेसिकली हमें यहाँ से रिमूव कर रहा है, लेकिन कम कर रहा है। उसकी रीजन क्या है कि हमने टॉलरेंस को बहुत ज्यादा कम कर दिया। अगर मैं इसका टॉलरेंस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और देन मैं इसके ऊपर यहाँ से इसको मूव करता हूँ, तो अब ये देखें कि इसने ईजिली हमारे पास उस चीज को रिमूव कर दिया जो बेसिकली हम रिमूव करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसी तरह हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी थोड़ा सा है, तो इसको भी यहाँ हम करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ से भी उस चीज को मूव कर दिया। अब क्लियर है रहमान? ये चीज क्लियर है रहमान? जवाद अहमद, मारिया एम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से किसी और इमेज को ओपन करके ले आता हूँ, एक और को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, अगर इसको हम इस तरह से रिमूव नहीं करते जिस तरह से अभी हमने वहां किया था, अगर इस चीज को हम रिमूव करना चाहते हैं सिंपली, यानी कि हमारे पास सॉलिड सिंगल कलर बैकग्राउंड है, तो अगर इस चीज को हम बैकग्राउंड अरेजर टूल के साथ रिमूव करने के लिए जाते हैं, और हमने यहाँ से सैंपल जो है 1 सैंपल क्लिक किया हुआ है, ठीक है, और टॉलरेंस लेवल हमने इमेज के लिहाज से सिलेक्ट करना होता है, जैसे हमने पहले भी देखा था। अगर मैं इसको यहाँ सैंपल दे के इसको रिमूव करता हूँ तो ये देखें कि हमने बेसिकली जो इसको सैंपल दिया था, अब मैं इसके ऊपर रफली इसको रिमूव करता जा रहा हूँ, लेकिन जो बेसिकली हमने इसको सैंपल दिया था ये वही कलर रिमूव करता जा रहा है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये बहुत ज्यादा डार्क कलर था, तो इसने उसको रिमूव नहीं किया क्योंकि हमारे पास सैंपल जो है वो लाइट कलर का है, ठीक है। तो अगर हम इसको पेन टूल से करें तो अब इसमें हमें काफी टाइम लगता, अब हम इसको इससे कर रहे हैं तो ये बड़ा इजिली हमारे पास होता जा रहा है, ठीक है। और ये जहां जहां लाइट कलर है वहां से इसने इसको इजिली कर दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ये देखें ये लाइट कलर को कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस कलर को ले लेता हूँ, तो अब इसने बेसिकली इसका डार्क कलर पिक कर लिया है और इसने इस डार्क कलर को अब ये रिमूव करता जा रहा है, ठीक है। अब यही ऐसे ही हम यहाँ से सैंपल लेते हैं तो ये देखें इसने इस कलर को रिमूव कर दिया, यानी कि जो हम सैंपल लेंगे ये उस कलर को रिमूव कर रहा है। अब यहाँ से देखें ये हमने लिया, इसको रिमूव कर दिया, तो इस तरह से भी बेसिकली हम जो है बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो बेसिकली एजेस हैं वो वैसे के वैसे ही स्मूथ हैं। ठीक है, इसके अगर हम टॉलरेंस को और मजीद बढ़ा देते तो जिस तरह हम लाइट और ये डार्क शेड को देख रहे हैं, ये लाइट को कर रहा है, जहां से हम डार्क सैंपल लेते हैं वहां से ये डार्क को करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इसका टॉलरेंस लेवल बढ़ा दें तो फिर ये और ज्यादा कलर्स को देखेगा, ठीक है, और फिर और ज्यादा रिमूव कर देगा। और बावजूद आप टॉलरेंस लेवल को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बेसिकली जिस चीज का बैकग्राउंड रिमूव कर रहे होते हैं वो भी अफेक्ट हो रही होती है, ठीक है, उसका भी वो कोई ना कोई कलर शेड उसके साथ मिल रहा होता है तो वो उस चीज को भी रिमूव कर देता है, ठीक है। आप इसको चाहे आप इसी तरह रिमूव कर दें या सिंपली आप प्लसो टूल के साथ इसकी सिलेक्शन करके इसको न्यू किसी न्यू लेयर के अंदर ले जाओ, इसको आप जहां भी यूज करना चाहते हैं तो आप इजिली इसको कर सकते हैं। हाँ जी जिशान, रहमान, ये चीज समझ आई। ये चीज वैसे बहुत सिंपल और बहुत सारे लोग जो स्टार्ट में बैकग्राउंड रोल के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो इसी चीज को मोस्टली यूज कर रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। भाई इसमें आपको ये चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको टॉलरेंस, अपनी टॉलरेंस को बेसिकली इमेज के लिहाज से सिलेक्ट करना पड़ता है कि जो बेसिकली आपकी इमेज है उसके हिसाब से आपको टॉलरेंस को सिलेक्ट करना पड़ता है, देन ही आप सही से काम कर पाते हैं। अब अगर हम इसको हाइड करें और इसको देखें तो हमने इजिली इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया है, और यहाँ अगर हमारे पास थोड़े बहुत कोई शेड्स आ रहे हैं तो इसको भी हम दोबारा से इरेजर के साथ रिमूव कर सकते हैं यहाँ से इसके सैंपल्स देके। हाँ जी, बाकी सबको भी क्लियर है? जवाद किधर है? जवाद रिप्लाई नहीं कर रहा, कमेंट नहीं कर रहा। अब आप देखें कि हमने जितने भी सिलेक्शन टूल पढ़े थे, ठीक है, उसके बाद हमने ये डिफरेंट सिलेक्शन टूल पढ़े, इसके बाद ठीक है मैजिक बैंड देखा, ड्रग सिलेक्शन देखा, ठीक है इस तरह के सारे देखे, मैग्नेटिक लेसो देखा। तो हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे पास जिनको हम इजीली वे से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो सारी चीजें भी आनी चाहिए। बाज़ का अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पिक्चर्स हम उन चीजों को यूज नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, या उनमें से किसी चीज को हम सही से रिमूव कर भी लेते हैं और कुछ चीज को हम नहीं कर रहे होते। और जब हम इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं किसी इमेज में तो देन हम इसको डिफरेंट शेडोज की मदद से, ठीक है, या डिफरेंट लेयर मास्किंग के थ्रू हम इसको कर रहे होते हैं, क्योंकि लेयर मास्किंग अभी हमने पढ़ी नहीं है। लेयर मास्किंग, ठीक है, वो डिफरेंट एक पूरा लेक्चर है, तो हम उसके ऊपर जब जाएंगे तो इसको हम मजीद देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वीक के अंदर हमने इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है, जिसमें ये बैकग्राउंड रिमूवल तो ऑलरेडी आपको कवर है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको आती हैं इसके अंदर। अब मजीद भी 2-3 चीज़ें आपको सिंपल वे के साथ भी आ गई, और इसके बाद जब हम लेयर मास्किंग वगैरह, ठीक है, फोटो रिटचिंग मैनिपुलेशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप अब ईजिली किसी भी चीज़ को मिक्सअप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो देन हम फिर फ्लायर डिज़ाइन और जो हमारी बाकी चीज़ें रहती हैं सोशल मीडिया कवर्स वगैरह उनकी तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आपने देख लिया, इससे आपने इसको ईजिली कर लिया, ठीक है। अब एक लेयर मास्किंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने लेयर मास्किंग अभी पढ़ी नहीं है, तो उसको हम जब लेयर मास्किंग को पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो देन हम उसको भी देख लेंगे। अभी के लिए ये 2 ही थे। अब हम नेक्स्ट अपने टूल की तरफ चलते हैं जिसको हम क्रॉप टूल कहते हैं, ठीक है, उसको हम तफसील से देख लेते हैं। देन मजीद हम अगर एक और टूल को भी आप देख लेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक और फाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है, इस इमेज को फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास जो ये 4 टूल्स हमने पढ़ लिए हैं, और इसके अलावा हमने एक टूल यहाँ से देखा है जिसका नाम क्या है, बैकग्राउंड इरेजर टूल, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि हमने क्रॉप टूल को देखना है। क्रॉप टूल बेसिकली क्या काम करता है कि आप क्रॉप टूल को सिंपली सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके पास ये जो है बेसिकली एरिया सिलेक्ट होके आ गया कि ये एरिया आप क्रॉप करने चाह रहे हैं, और आप इसको किसी भी साइड से कम करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इसको रोटेट करना है तो हम रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें आपने इस साइड से करना है तो ये आपने कर दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसके अंदर रेशोज हैं। अगर फॉर एग्जांपल रेशो के हिसाब से आप करते हैं तो ये आपकी इमेज के रेशो के हिसाब से आपको करके दे रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसी के अंदर हम जाते हैं विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन, ठीक है, और इसमें अगर इमेज की विड्थ और हाइट के हिसाब से करना है तो देन भी ठीक है, अदरवाइज आप सिंपली रखना चाहते हैं आप बाकी चीजों को क्लियर कर देते हैं तो देन भी ठीक है। आप यहाँ बेसिकली आप विड्थ लिख सकते, सॉरी यहाँ विड्थ लिख सकते हैं, यहाँ हाइट लिख सकते हैं, और यहाँ रेजोल्यूशन पर पिक्सल, ठीक है, पर इंच पिक्सल जो बेसिकली रेजोल्यूशन है वो भी आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं जब आप किसी चीज को क्रॉप कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ आपके पास है कि अगर फॉर एग्जांपल स्क्वायर के अंदर आप चाहते हैं क्रॉप करें तो ये ऑटोमेटिकली आपको स्क्वायर ही बना के देगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास जिस तरह आप डिफरेंट इमेजेस प्रिंट करवा रहे होते हैं, ठीक है, फोटोग्राफी और जो लोग होते हैं वो 4.5 होती है, ठीक है, 5.7 की भी होती है, ठीक है, जैसे ये आपके पास है। तो ये बेसिकली क्या है कि वो इतनी चीज आपको क्रॉप करके दे देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और देन मेरे पास ये चीज जो है वो क्रॉप हो गई है, ये मेरे पास इतनी इमेज मेरी क्रॉप होके आ गई है, ठीक है। अगर देन मैं इसको दोबारा से सिलेक्शन करता हूँ, ये मैंने इमेज को यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास पूरी की पूरी इमेज अभी मेरे पास है, जो बेसिकली हमने क्रॉप्ड किए थे पिक्सल्स, वो भी अभी हमारे पास हैं। अगर हम पूरी को सेलेक्ट करते हैं और अब दोबारा से अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, मजीद एरिया हमें चाहिए इसके अंदर से, ठीक है। अगर हम इसको मूव कर लेते हैं इमेज को, इतना एरिया हमें इसका चाहिए, ठीक है, तो हम इसको दोबारा से भी कर सकते हैं। अगर दोबारा हम इसको कर दें तो दोबारा से हमारे पास उतना एरिया क्रॉप हो जाएगा। अगर दोबारा से हम इसको आके यहाँ से क्लिक करते हैं, ठीक है, तो दोबारा भी हमारे पास वो इमेज ऑलरेडी पड़ी होगी। वो तब तक होगी हमारे पास जब तक हम यहाँ से डिलीट क्रॉप पिक्सल नहीं कर देते, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर डिलीट क्रॉप पिक्सल को क्लिक कर देता हूँ, तो देन फिर हम किसी भी चीज की सिलेक्शन करता हूँ और उसको क्रॉप करता हूँ, तो मेरे पास जो बाकी इमेज होगी वो क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। जो इमेज बेसिकली मैंने क्रॉप कर ली है वो मेरे पास रहेगी, जो बाकी उसके क्रॉप पिक्सल्स होंगे वो उनको डिलीट कर देगा, ठीक है। अगर हम इसको क्लिक नहीं करते तो दैन वो उसको क्या करता है, उसको रहने देता है। और जब भी हम अपनी क्रॉप इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास बाकी जो क्रॉप पिक्सल्स होते हैं वो भी हमारे पास शो होने लग जाते हैं। हम दोबारा से उस इमेज को जिस तरह भी एडिट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हमारे पास यहाँ एक और चीज होती है, स्ट्रेटन, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस स्ट्रेटन को मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और जैसे ये बेसिकली हमारे पास है कि कुछ इमेजेस हमारी जब हम पिक्चर कर रहे होते हैं टेढ़ी हो जाती हैं, तो हमने उनको सीधा करना होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारे पास ये चीज है, ठीक है, इसको मैं फॉर एग्जांपल कमेंट करके क्रॉप कर लिया मैंने, और फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रेटन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ कि मेरे पास ये जो इमेज है कुछ यूँ होनी चाहिए, ठीक है। आप ये देखें कि ये आपको इमेज को सीधी करके दे रहा है, ठीक है, अगर टेढ़ी है तो, ठीक है। अगर इस तरह ही फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि नहीं ऐसे नहीं, यहां से मुझे ठीक है मैंने कमेंट किया और मैं कहता हूं कि यहां से मैंने स्ट्रेटन टूल लिया और देन मैं कहता हूं कि नहीं मुझे यहां से अब यूं चाहिए, ठीक है, तो ये हमें मजीद उसको सीधा करके दे देगा। अब हम स्टार्ट में देखें तो हमारी इमेज कुछ और तरह से थी, अब वो मजीद सीधी हो गई। तो इस तरह जब आप जो लोग फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो अक्सर होते हैं कि आपकी इमेजेस टेढ़ी हो जाती हैं, तो आप उसको स्ट्रेटन टूल के साथ, जैसे आप फॉर एग्जांपल जिस तरह से उसको सीधा करना चाहते हैं, तो इजीली स्ट्रेटन टूल के साथ एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो आपको उस हिसाब से उसको सीधा करके दे रहा है, ठीक। तो अब ये देखें तो हमारी लाइन काफी हद तक जो है वो स्ट्रेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं आपके पास। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो कुछ सेटिंग्स हैं इसके लिहाज से, ठीक है। अब सेटिंग्स में क्या चीज है कि फॉर एग्जांपल कि हम जब किसी चीज को क्रॉप कर रहे होते हैं, ठीक है, यूज क्लासिक मोड, ठीक है, शो क्रॉप्ड एरिया के ऑटो सेंटर व्यू, ठीक है, एनेबल क्रॉप शील्ड, उसका कलर क्या आना चाहिए, ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से अगर इस चीज को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, देन हम इनमें से आके सेटिंग्स को देखते हैं। शो क्रॉप्ड एरिया, अगर हम इसको क्लिक नहीं करेंगे तो हमारे पास जो क्रॉप्ड एरिया वो शो नहीं होगा, ठीक है। ऑटो सेंटर व्यू, तो हमारे पास बेसिकली जब हम इसको कर रहे होते हैं तो ऑटो सेंटर व्यू हमारे पास आ रहा होता है, हमारी जितनी भी क्रॉप इमेजेस होती हैं, ठीक है। एनेबल क्रॉप शील्ड, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये बेसिकली हमें डिफरेंट ओपेसिटी बता रहा है और बता रहा है कि इसमें से हम इमेज को क्रॉप कर रहे हैं। अगर इसको नहीं करते तो हमें पूरी की पूरी इमेज जो है वो एक ही तरह से शो हो रही है जो हमारी ओरिजिनल इमेज है। अगर हम अनेबल क्रॉप शील्ड कर देते हैं तो जितना एरिया बेसिकली हमारा क्रॉप शील्ड है वो हमें उसमें शो हो रहा है और बाकी की वो जो ओपेसिटी है वो उसकी थोड़ी सी कम कर देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर। अब हम एक और चीज को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से इसको क्रॉप करने के लिए जा रहे हैं और हम यहाँ से इसको मजीद थोड़ा सा बाहर तक ले जाते हैं, तो ये इसके अंदर कैनवस को ऐड कर देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ इसी इमेज को दे देगा या कुछ कर देगा, तो आपके कैनवस को बेसिकली क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। अब बेसिकली हमारी इमेज तो यहाँ तक थी, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मजीद आगे लेके जाते हैं तो ये क्या कर रहा है कि हमारे कैनवस को, ठीक है, मजीद आगे तक बढ़ा दिया। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ आगे कमेंट कर देता हूँ या एंटर का बटन प्रेस करता हूं, तो आप देखेंगे कैसा आ चुका होगा, ठीक है, जो कि क्योंकि आपने इसे, ठीक है। अब ये देखेंगे यहाँ तक तो आपकी इमेज थी, लेकिन आपका कैनवस बेसिकली है ये जो आपने एक्स्ट्रा एरिया लिया था वो भी आपके पास हो रहा है, सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं दोबारा इस चीज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्लो होगा। ये चीज क्लियर है अब तक, जो जितनी भी चीजें हमने। ठीक है, जैसे ये मैंने लिया। ठीक है, ये मैं इमेज को ऊपर ले आया और अगर इसको मजीद मैं दोबारा से कम कर देता हूँ और अब अगर मैं क्रॉप करूंगा तो मेरे पास वो एरिया नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल यहीं तक मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ तो हमारे पास क्रॉप करने के डिफरेंट रूल्स होते हैं जिससे हम अपनी चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये चीज हमने क्रॉप कर ली है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ट्रांसपेरेंट है क्योंकि हमने वो एरिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया हुआ था। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं क्रॉप टू लेता हूँ दोबारा और ये मेरे पास आ गया। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट रूल्स हैं जिनके अंदर हमारे पास रूल ऑफ थर्ड है, ग्रिड है, डायगोनल है, गोल्डन रेशियो है, गोल्डन स्पाइरल है। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल रूल ऑफ थर्ड करते हैं तो रूल ऑफ थर्ड में ये क्या करता है कि हमारे पास ये हाँ जी, अब आवाज आ रही है मेरी सबको? सॉरी, वो लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा इशू हो गया। ओके ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमने आपको यहाँ से, ठीक है, डिलीट नहीं करते, हम यहाँ से कंटेंट अवेयर को सेट कर लेते हैं, ठीक है। और देन हम फॉर एग्जांपल इस इमेज का एरिया जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जो रेशियो है फॉर एग्जांपल हम विड्थ एंड हाइट रख लेते हैं ताकि हमें इजीली चीज जो है वो जिस साइड पे बेसिकली हम कंटेंट अवेयर पोर्शन लेना चाहते हैं। अब जैसे पहले हमारे पास था कि हमने जब इसको, ठीक है, पहले जब हमारे पास था कि हमने जब इसको यानी कि डिलीट यानी कि एक्सटेंड किया था तो हमारे पास क्या आ रहा था, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आ रहा था। अब अगर हमने कंटेंट अवेयर के ऑप्शन को क्लिक किया हुआ है तो ये क्या करता है कि ये AI का यूज करते हुए ऑटोमेटिकली इसी एरिया के अंदर से कुछ पार्ट्स हमें यहाँ दे देता है। फॉर एग्जांपल अब देन अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे जो पास जो इमेज क्रॉप होके आएगी वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ नहीं आएगी, यानी कि जो हमने एक्स्ट्रा एरिया एक्सटेंड किया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं आएगा, वो इसी इमेज के अंदर से ही कुछ पार्ट उठा के उसके अंदर मिक्सअप करके हमें एक इमेज दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा स्लो है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हमने क्रॉप टूल में क्रॉप टूल से रिलेटेड सारी चीजें देख ली हैं। अब हम एक और चीज को इसके अंदर देखते हैं, ये इमेज हमारे पास हो जाए। आप चले भाग गए थे।